हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ST165। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर ICSE हिस्ट्री का। पार्ट वन होगा ये, जहांगीर एंड शाहजहां, और ये क्या है, चैप्टर 12 ऑफ क्लास 7 जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। चैप्टर 11 तक आपको कंप्लीट हो गया था, आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ICSE क्लास 7 हिस्ट्री के नेम से प्लेलिस्ट है। और हम स्टार्ट करेंगे जहांगीर एंड शाहजहां। बहुत से अच्छे कमेंट्स कर रहे थे कि मैम इसको स्टार्ट करवा दीजिए। येस, दिस इज़ फॉर यू। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में है क्या। ठीक है, देखिए हम लोगों ने अकबर कंप्लीट किया था, और अकबर की पूरी जर्नी जानी थी कि अकबर किस तरीके से एक महान शासक बने, द अकबर द ग्रेट कहलाए। ठीक है, तो उनके एक सन थे जिसका नाम क्या था, प्रिंस सलीम। क्या नाम था, प्रिंस सलीम। अकबर के क्या है, ये एक बेटे थे, और ये क्या है, मतलब चाहते थे कि मतलब हम शासक बन जाएं। और अकबर के टाइम पर ही क्या है, अकबर के अगेंस्ट चले गए, अकबर के क्या है, अकबर के अगेंस्ट उन्होंने रिबेल कर दिया। ठीक है, लेकिन क्या है, ठीक है, उस टाइम तो अकबर ने इनको रोक दिया, पर अकबर ने फिर सोचा कि अरे हम तो बूढ़े हो रहे हैं, कौन संभालेगा इतना बड़ा एम्पायर। तो क्या किया उन्होंने, अकबर ने माफ़ कर दिया, उन्होंने कहा ठीक है मेरे बाद यही बनेंगे शासक। और फिर जब अकबर की डेथ हो जाती है 1605 में, तो उसके बाद क्या है, वो सलीम एज अ रूलर बनते हैं, एज अ राजा डिक्लेयर होते हैं, और उस समय वो टाइटल लेते हैं सलीम। जो टाइटल है वो क्या लेते हैं, न्यू उद्दीन सलीम जहांगीर। जहांगीर के नेम से क्या है, वो शासन करना स्टार्ट करते हैं, और यहीं से स्टोरी स्टार्ट होती है किसकी, जहांगीर की। ठीक है, तो ये हम जानेंगे इस चैप्टर में अच्छे से डिटेल में, किस तरीके से जहांगीर का शासन आया, किस तरीके से उन्होंने क्या कॉन्क्वेस्ट किए, उनकी क्या क्या पॉलिसीज रही थी, उसके हम जानेंगे शाहजहां के बारे में भी इस चैप्टर में। चलिए स्टार्ट करते हैं जहांगीर के बारे में, किस तरीके से उन्होंने क्या पॉलिसीज की, उनका टाइम पीरियड क्या रहा। ओके, अब जहांगीर, जहांगीर का पहले हम देखेंगे कि टाइम पीरियड क्या था, फिर देखेंगे कि इसका वर्ड का मतलब क्या होता है, फिर बाकी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप जानिए कि जहांगीर का टाइम पीरियड क्या था। जहांगीर ने जब रूल किया, मतलब अकबर की डेथ हुई थी 1605 में, ठीक है, तो इसी ईयर से क्या है, ये शासन करने के लिए बैठे, और लगभग इनका शासन का टाइम पीरियड होता था, तो उन्होंने रूल किया वो था 1605 से लेके 1627 CE तक। CE या रेफर्स टू क्रिश्चियन एरा, मतलब 1605 से 1627 तक ये जो टाइम पीरियड है वो किसका है, जहांगीर के रूल का शासन है, जहांगीर के रूल का क्या है, टाइम है। अब हम सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जहांगीर, जहांगीर का मतलब क्या है। तो जहांगीर क्या है, एक पर्शियन वर्ड है। क्या है, एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब होता है कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। मतलब एक ऐसा वर्ड जो किससे डराइव हुआ है, पर्शियन लैंग्वेज से, एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब होता है कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड, मतलब सारे विश्व का विजेता। ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मतलब होता है जहांगीर के क्या, वर्ल्ड का। ओके, आप जानते ही हैं, हमने समझा है पूरा अकबर के बारे में कि किस तरीके से अकबर ने एक बहुत बड़ा एम्पायर इस्टेब्लिश किया था, किस तरीके से अकबर एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाने में क्या है, सफल रहे थे। अब अकबर के ही सन तो जहांगीर हैं, तो जहांगीर को क्या है, इतना बना बनाया एम्परर अकबर छोड़ गए थे, उन्होंने इनहेरिट किया था एक वास्ट एम्पायर। एक वास्ट एम्पायर क्या इन्होंने इनहेरिट किया था, किसका, अकबर का। लेकिन सिर्फ ये जो अकबर जो एम्पायर छोड़ गए थे, सिर्फ उसी पर ही इन्होंने, इनका मतलब पूरी लाइफ डिपेंड नहीं करती है, इसके साथ साथ इन्होंने क्या है, कई सारे कॉन्क्वेस्ट भी किए, उस एम्परर को क्या है, बढ़ाया उसमें क्या है, और एक्सपेंड लाए, और ज़्यादा चीज़ों को सुधारा, वो हम देखेंगे किस तरीके से किया। सबसे पहले इन्होंने जो प्रॉब्लम फेस की, अपने जो जैसे इन्होंने शासन किया, शुरुआत की राज्य की, राजकाज की, तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट इन्होंने क्या है प्रॉब्लम फेस की, वो थी खुसरो की। किसकी प्रॉब्लम, खुसरो की प्रॉब्लम। अब खुसरो कौन थे, खुसरो जहांगीर का ही बेटा था, ठीक है, उसने क्या है अपने फादर के अगेंस्ट ही क्या है, रिवॉल्ट कर दिया, उसके अगेंस्ट ला गया, और इसे हम लोग समझते हैं रेबेलियन ऑफ खुसरो। अब क्या है, ये अपने फादर के अगेंस्ट चले गए, कौन है खुसरो, अब जहांगीर जाने थोड़ी ना देंगे, तो क्या है इन्होंने, जो इन्होंने रिवॉल्ट किया, जो इन्होंने क्या है रेबेलियन किया, जो लड़ाई शुरू की, उसको क्या कर दिया गया, सप्रेस कर दिया गया। क्या कर दिया गया, सप्रेस कर दिया गया। इसके साथ साथ एक बात इंपॉर्टेंट है जो याद रखना आप लोग,
एक उनके इनका जो साथ दिया था वो थे गुरु अर्जुन देव। कौन थे? गुरु अर्जुन देव। ये क्या कौन थे? ये फिफ्थ गुरु थे सिक्स के, फिफ्थ गुरु थे सिख कम्युनिटी के। तो जो फिफ्थ गुरु है सिख कम्युनिटी के, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है सिख कम्युनिटी में, किसकी? गुरु अर्जुन देव की। तो क्या किया, मतलब जहांगीर को जब पता चला कि इन्होंने साथ दिया था खुसरो का, खुसरो को तो सप्रेस कर दिया इन्होंने, तो इन्होंने क्या किया, गुरु अर्जुन देव को क्या है, मरवा दिया, इनको फांसी दे दी। जब उन्होंने ये काम किया तो ये काम क्या है, सिख कम्युनिटी के बिल्कुल अगेंस्ट चला गया, और इससे क्या है काफ़ी मतलब एक बहुत प्रॉब्लम वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई बिटवीन द मुगल्स एंड द सिक्स। ठीक है, तो यहीं से स्टार्टिंग होती है जहांगीर की स्टोरी के, किस तरीके से वो एम्परर बने, किस तरीके से खुसरो की प्रॉब्लम आई, किस तरीके से सप्रेस किया गया, और किस तरीके से गुरु अर्जुन देव को डेथ देखकर प्रॉब्लम्स और ज़्यादा पड़ गई सिख और मुगल्स के बीच में। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे कि जहांगीर ने ऐसे कौन कौन से कॉन्क्वेस्ट किए थे जिससे कि उसने अपने एम्परर को एक्सपेंड किया, बड़ा किया। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे क्या कि इनका कॉन्क्वेस्ट क्या था जहांगीर का। सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉन्क्वेस्ट आता है वो आता है मेवार का कॉन्क्वेस्ट। किसका? मेवार का कॉन्क्वेस्ट। मेवार प्रेजेंट में आता है राजस्थान एरिया में। कहाँ आता है? राजस्थान। ठीक है, तो वहां पर एक रूल कर रहे थे राजा उस समय, वो उनका नाम था राणा अमर सिंह। कौन थे? राणा अमर सिंह। 1615 CE की बात है ये। और ये कौन थे राणा अमर सिंह? ये महाराणा प्रताप के बेटे थे। किसके बेटे थे? सन ऑफ महाराणा प्रताप। तो आप लोगों को याद होगा, आपने अगर अकबर द ग्रेट के लेक्चर्स देखे होंगे उसमें डिस्कस किया था कि जो महाराणा प्रताप है उन्होंने कभी भी अकबर के अंडर काम करने को क्या है एक्सेप्टेंस नहीं दी थी। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बैटल हुआ था, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जिसमें महाराणा प्रताप मतलब हार गए थे, लेकिन तब भी उन्होंने सरेंडर नहीं किया था, उन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं किया था कि हम मुगल्स के अंडर काम करेंगे। ठीक है, तो वही वाली फीलिंग किसके अंदर थी? राणा अमर सिंह के अंडर थी। ठीक है, तो क्या किया जहांगीर के टाइम पे, ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी, इनको जीतना था ये एरिया, तो फिर इन्होंने क्या किया, जो इनके बेटे थे खुसरो, रिवॉल्ट किया था, सप्रेस कर दिया, उसके बाद खुसरो को ही भेजा कि जाओ राणा अमर सिंह को रोको और उनको क्या है समझाओ, नहीं समझे तो पीट के भागाओ। ठीक है, तो भाई फिर गए खुसरो, नहीं समझे तो फिर इनमें बैटल होता है, और बैटल होता है तो अल्टीमेटली राणा अमर सिंह क्या है हार जाते हैं। और जब हार जाते हैं तो जो इम्पोर्टेंट जो राजपूत रूलर्स थे मेवार के, राणा अमर सिंह, इनका जो राजपूत का कुछ एरिया रह गया था मुगल्स के कब्जे से बाहर, वो भी इनके हारने के बाद क्या है मुगल्स के अंडर आ जाता है, और राजपूत का कंप्लीट जो एरिया है वो मुगल्स एम्पायर के अंदर कंसोलिडेट हो जाता है। तो यहाँ इन्होंने कॉन्क्वेस्ट करके ये वाला एरिया क्या है कैप्चर कर लेते हैं और अपने एरिया को क्या है एक्सपांड करते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्क्वेस्ट था, बाकी हम इसके जो अदर कॉन्क्वेस्ट हैं और अदर पार्ट हैं वो डिस्कस करेंगे इसके पार्ट टू में। पार्ट वन में इतना ही था, इतना सुनिए, बाकी पार्ट टू जल्दी आएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।